एजबेस्टन में पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड पर रोमांचक जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इससे पहले कंगारू की टीम टेस्ट रैंकिंग में भारत से नीचे दूसरे स्थान पर थी। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने 2 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले 116 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी, लेकिन WTC में और एशेज सीरीज में जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत से आगे निकल गई है, लेकिन आईसीसी ने अभी तक रैंकिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। उम्मीद है कि आईसीसी जल्द ही नई रैंकिंग जारी करेगा। वहीं पहले एशेज टेस्ट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। रनों का पीछा करते हुए पैट कमिंस ने नाबाद 44 रन की पारी खेली और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई। वहीं बात करें पूरे मैच की तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 8 विकेट पर 393 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। टीम की ओर से पूर्व कप्तान जो रूट ने 118 रन की पारी खेली। इस दौरान नॉर्थन लियोर ने 4 और जोस हेजलवुड ने 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा स्कॉट बॉलेंड और कैमरून ग्रीन ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इसके बाद अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 386 रन बनाए। टीम की ओर से उस्मान ख्वाजा ने 141 रन की बड़ी अहम पारी खेली। वहीं अपनी दूसरी पारी के लिए मैदान पर उतरी इंग्लैंड की टीम 273 रनों पर ही सिमट गई। इस पारी में नॉर्थन लियोन और कप्तान पैट कमिंस ने 4 विकेट लिए। वहीं जोस हेजलवुड और स्कॉट बॉलेंड को 1-1 विकेट मिला। इसके बाद 281 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत दर्ज कर ली। वैसे इस रोमांचक मैच के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।